40 लाख लगा के इतना दुख हो रहा है ना, जितना भैया पे कार वॉश पे सुना के चले गए। दोस्तों अभी जस्ट हमने दूसरी वीडियो की रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है, माइट भी कपड़े आपको सेम लग रहे हो क्योंकि एक वीडियो खत्म करी और दूसरी चालू कर दिया। अभी हम आए बेसिकली XUV 700 की वॉशिंग कराने के लिए। ये भाई करेगा वॉशिंग जो अब जा रहा है भैया, और अंदर की तरफ लगवाई इन्होंने गाड़ी यहाँ पे हमारी वॉशिंग के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक वैगन आर भी यहाँ पे वॉश हो रही है, स्कूटी भी वॉश हो रही है, और अभी हम यहाँ पे XUV 700 की वॉशिंग करवाएंगे। तो भाई अभी हम लोग करा रहे हैं कि अंदर से भी और बाहर से भी वॉशिंग करा रहे हैं। अगर आप बाहर से खाली वॉशिंग कराते हैं तो बेसिकली हमें पड़ रहा है ये 150 रुपये, अगर आप अंदर से कराते हैं तो 300 रुपये, क्योंकि इसमें अभी जैसे लाइक 24 लाख रुपये की हमने जैसे गाड़ी परचेज करी है। सबसे बेकार जो चीज़ यार, कंपनी ने हमें बेसिक मैट्स वगैरह भी हमें नहीं दिए। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये नॉर्मली गाड़ी के स्किन मैट्स हैं, लाइक कुछ भी रिमूव नहीं हो सकता, और आप देख ही सकते हैं एक बेसिक मैच भी हमें कंपनी ने प्रोवाइड नहीं कर रखे। क्यों ये नहीं, एक मैट दे दो, चलो गाड़ी में एक्सपीरियंस बता देंगे बस। ये देख लो भाई, ये हम लोग नहीं, ये तो बाहर के साफ करने वाले भी बोल रहे हैं। कितने लाख की गाड़ी ले रहे हो? अच्छा, एक 200-400 रुपए के आप वैसे ही मैट डाल दो, बेसिक मैट ही डाल दे, जरूर थोड़ा इतना बड़े इतने भारी हैवी मैट डालना है। तो भैया कौन है कंपनी वाले? पहले बताया तो है कंपनी वाले कौन है, एक बार दोबारा बता दो ना, दोबारा याद ही नहीं है मेरे। अभी तो वैसे एक टॉप से एक नीचे मॉडल है, तो देख लो हमें कितनी फ्रीक्वेंसीज की हमें यहाँ पे सफाई करवानी पड़ती है। ये तो भैया बेसिकली वैक्यूम से यहाँ पे इसकी सफाई करें गाड़ी की। कौन सी चीज? हाँ मतलब ऐसे करके हो गया ये, तो मान लो किसी ने थोड़ी सी और जान लगा दी आपका तो नुकसान नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स, वैसे सही बात है, जेन्युइन फीडबैक है जो भैया दे रहे हैं, ये शेयर करना चाहिए हमें आगे। प्लास्टिक है ना, है तो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक ही यार। इतनी गंदगी है नहीं, पर भैया ढूंढ रहे हैं अच्छे से गंदगी है। भैया ढूंढ रहे हैं गाड़ी में कि गंदगी मिल जाए, कहीं गंदगी मिल जाए। नहीं, 700 आती है। ओ 500 आती है जो जो एक्टिव है उसकी सीटें आगे हो जाती है। अच्छा, आगे होने का फोल्ड हो जाती है वो, ये वाली होती है ना, ये वाली होती होगी ना, या पूरी हो जाती है ये, तो एक तो ये फोल्ड हो जाती है उसकी। अच्छा, ये भी है ना, ये चीज आगे हो जाती है फोल्ड हो जाती है, पूरी फोल्ड आगे भी कर सकते हैं। हां मान लो कोई बंदा पीछे बैठेगा तो कैसे बैठेगा, थोड़ा सा क्या चाहिए यहां पे, थोड़ा पैर सीधे करना है ना, नीचे नहीं पड़ा अपने, हां जी नीचे नहीं पड़ता है। किया का टॉप मॉडल आया है, किया का टॉप मॉडल, हां वो जो स्लॉटिंग गेट है। अच्छा, वो बढ़िया है, वो कार्निवल। हाँ, अच्छा, सीट फोल्डर है, दुनिया भर का स्पेस है इसके अंदर। अच्छा, बहुत मतलब बढ़िया स्पेस है, खाने के खाने नहीं दोगे ये बच्चों को, पहले बोलोगे खाओ फिर आओ गाड़ी में, ये भी है भाई। वैसे एक बार होता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स है ना वो भैया के पास हैं भाई। हैंचो ये बार इतना दुख हो रहा है ना, 40 लाख लगा के इतना दुख हो रहा है ना, जितना भैया यहाँ पे कार वॉश पे सुना के चले गए। और ये भैया हमें तंबाकू बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाते भैया? गाड़ी में बैठ के बनाना, गाड़ी में बैठ के वैक्यूम मारूंगा। पीछे पीछे दाने इधर के सीट आगे नहीं होगी, फिर क्या करोगे? ये क्या चीज है? चूना, चक चक, चूना चूना जो दुनिया को लगाती है, दुनिया जो दुनिया को दुनिया लगाती है। भैया की स्माइल देख रहा है, सुई ना के आए। अच्छा जी, अभी दोबारा ना है गड़ते हुए, दिन भर नहाते ही रहते हैं साहब। आपकी सही मजा है, गर्मी में फिर तो गर्मी लगती होगी आपको, क्या करें साहब, काम तो करना ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो तंबाकू खा के मतलब क्या फीलिंग आती है? कि मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ मैं? नहीं सर, जन्नत की सैर हो जाती है, जन्नत की सैर हो जाती है। देख भैया कह रहे फरारी में, फरारी वाली फीलिंग आती है, बोल रहा था मर्सिडीज वाली फीलिंग है। आप खाओगे इसे? सर्विस है भाई, इसमें से पहले ये कूड़ा निकाल लो, मोटी मोटी है जो लगे ना। ठीक है ठीक है, उसके आप चेक करके देखो आप भी कैसा खाई जाती है। मैंने चेक कर लिया भैया, नहीं पता तो जब भी पड़ेगा ना, फिर आपको कैसे पता कि इसका टेस्ट कैसा है? अरे नहीं, आप बता रहे हो ना, आपकी बात मान लेंगे। अरे इस पे चढ़ जाओ ना, ये साथ में यहाँ पे वो क्या लगा रखी है, ये प्लेट लगी हुई है, इस पे चढ़ जाओ यार। क्या
कहते हैं हैंडल है ही नहीं इस गाड़ी के। एक बार देखो तो सही कहाँ से बोलेगी गाड़ी, एक बार हाथ तो लगा के देखो। पीछे वाला ज्यादा टूट गया है वो, क्या करूं, वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन इसमें ये लो। भैया की तरफ से रिकमेंडेशन आई है कि 6 महीने से पहले किसी भी नई गाड़ी में इंजन पे पानी मत डलवाना, दिक्कत हो सकती है गाड़ी में। 6 महीने हो जाए, 7 महीने हो जाए, फिर आप इजीली यहाँ पे इंजन के ऊपर पानी आप लगवा सकते हो, बट 6 महीने से पहले पानी मत लगवाना। आपको टाइम होता तो आपने ये गाड़ी ली क्यों, जब आपको पता था। भैया हमारे जैसे लौंडे तो शौक के चक्कर में गाड़ी की लुक के चक्कर में गाड़ी उठा लेते हैं, लेकिन असल जो जेन्युइन नेगेटिव पॉइंट्स है, कुछ चीज़ें हो तो आप लोग बताते हो। अब हमारा दिमाग घूम रहा है, गया था ना रात को स्टाफ वाले को विस्कम से उठवा ले मुझे, कह रहे भड़का रहा पब्लिक को। तो फाइनली भाई गाड़ी हमारी हो चुकी है साफ, अब हम लेके जरा बाहर निकल रहे हैं। बाहर भैया कपड़ा वगैरह मारेंगे गाड़ी पे। ओ भैया ने वो लगा दिए मैट, लगा दिए भैया ने महंगे मैट, ये बेसिकली हमारे मैट्स वगैरह भैया ने इंस्टॉल कर दिए टेम्पोरेरी। पहली तरफ भी हो गया मैट, यही तरफ है सो आई होप आपने दोस्तों इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। भाई बस कपड़ा लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट गाड़ी वैसे साफ़ हो चुकी है, अंदर बाहर दोनों से हमने गाड़ी साफ़ करवा ली है। तो आई होप आपको इस लाइक कार वॉश वीडियो में एक थी तो एक नॉर्मल वीडियो बट मज़ा आया होगा, कंटेंट थोड़ा बढ़िया था यहाँ पे। उस भैया ने लाइक उन भैया ने एक वीडियो को इतना बढ़िया बना दिया ना, इतना फ़नी बना दिया इस वीडियो को, मज़ा आ गया, लाइक हमें खुद रिकॉर्डिंग करने में मज़ा आ गया। तो आई होप आपने भी इन्जॉय करा होगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे और भी हम कुछ नया कंटेंट लेके आने वाले हैं एंड वो आपको पसंद भी आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों ये जो आप साउंड देख रहे हैं ये बेसिकली सीट बेल्ट का साउंड है, सीट बेल्ट रिमाइंडर है, अलर्ट है कि सीट बेल्ट आपने नहीं लगा रखी। भाई इतना बढ़िया सॉफ्ट साउंड है यार, क्या कमाल करा यार महिंद्रा वालों ने, टेक्नोलॉजी को तो भाई ऐसे क्रॉस कर दिया कोई हद नहीं, दिल चू लिया यार।